यार मोहित भाई, इस महीने के बक्स एंड बैंटर्स के लिए कौन सा टॉपिक फाइनल करें? जल्दी कुछ नहीं सोचा तो कोर टीम वाले तो दिमाग खा जाएंगे। यार खाने से आता है, गंदी वाली भूख लग रही है। तो चल मोमोज खा के आते हैं। अबे यार फिर ये तुम्हारे दिल्ली वालों का मोमोज का प्यार कभी समझ नहीं आता। अरे यार चल समझाता हूँ, टॉपिक तो फाइनल कर पहले, आगे सोच लेंगे। यार एक जमाना था जब मैं यानी दक्ष दीवान टुनटुन मौसी के लड्डू का दीवाना था, और अब ये एक जमाना है जब मैं डोलमा आंटी के मोमोज के बिना नहीं रह सकता हूँ। कर ली पेट पूजा, काम चालू करें। अभी काम को छोड़, तुझे पता है मोमोज का कल्चर दिल्ली में आया कैसे? क्यों है ये हम दिल्ली वालों के लिए इतने चहीते? क्यों है भाई? यार तुझे पता है डोलमा तेसरिंग, जिनको हम प्यार से दिल्ली वाले डोलमा आंटी भी बुलाते हैं, तिब्बत की लेडी जो 1994 में दिल्ली में आई थी, लाजपत नगर में पहला मोमोज का स्टॉल लगाया था। यार जनरली तो मोमोज नॉन वेज होते थे ना, ये वेज वाले मोमोज कहाँ से आ गए? यार देख, पहले तो ना मोमोज नॉन वेज ही बनते थे, क्योंकि तिब्बत और नेपाल के साइड ज्यादातर कोल्ड रीजन होता था, हिमालय के पास था ना। बट अब इंडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद मोमोज की वेज पॉपुलेशन को ज्यादा केटर करने के लिए वेज मोमोज लॉन्च हुए। यार ऐसा तो ठीक है, तुझे डार्क साइड पता है मोमो इंडस्ट्री की? ट्रेडिशंस आर गेटिंग स्पॉइल्ड, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद दिल्ली वालों ने पूरे मोमोज को ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, ट्रेडिशन की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। तुझे फ्यूजन फूड के बारे में कुछ पता भी है? वी दिल्ली वाले आर नोन फॉर इट, एंड इफ सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट, हु आर वी टू क्वेश्चन इट? तुम दिल्ली वालों को लाल चटनी और गर्म मोमोज बड़े पसंद है ना, वैसे ही कुछ बैक्टीरियाज को भी ये गर्म टेम्परेचर बड़े पसंद होते हैं। पर बैक्टीरियाज तो गर्मी में मर जाते हैं ना। काश ने साइंस क्लास बंक ना करी होती, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो म्यूटेटेड होते हैं गर्मी में। ऑल्सो जो फ्राइड मोमोज जो तुम दिल से पसंद करते हो, ये तुम्हारे दिल को इतने पसंद नहीं है। यार दिल्ली वाले कोलेस्ट्रॉल से नहीं, कोलेस्ट्रॉल दिल्ली वालों से डरता है। और अब क्या तू मम्मी के पराठे कोलेस्ट्रॉल देख के खाता है? और ऑल्सो अब मोमोज हमारे लिए एक स्ट्रीट फूड नहीं, एक टाइम मशीन है जो हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। अब तू स्कूल टाइम को ही देख ले, जब हम स्कूल में थे इतना थक जाते थे स्कूल से आने के बाद, फिर ट्यूशन जाना होता था, होमवर्क, भाई साहब इतना थक जाते थे ना। लेकिन यार उसके बाद भी एक प्लेट मोमोज जब मिल जाती थी दोस्तों के साथ, मतलब। पर उस टाइम मशीन का फायदा जो तुम्हें फ्यूचर में तो ना ले जाए, पर तुम्हारा फ्यूचर जरूर बर्बाद कर दे। दिल्ली वाले अपने पोल्यूशन से मरे ना मरे, पर अपने डिल्यूजन से जरूर मरेंगे। यार अब इसमें मैं क्या करूं, हर नुक्कड़ पर एक मोमोज वाला खड़ा हुआ है, मुझे देख कर ही क्रेविंग हो जाती है। Why do you think that's the case? I think सेटअप करना ईजी है, और दूसरी बात कि टेस्ट अच्छा है तो डिमांड भी ज्यादा है। हाँ दैट्स पार्शली ट्रू, बट द बिगर पिक्चर इज कि उनकी कॉस्ट बहुत कम है एंड प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा। सो फॉर एग्जाम्पल 20 to 25 रुपीज की पर प्लेट कॉस्ट होती है उनकी, एंड दे सेल इट फॉर 60 रुपीज, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे बन जाते हैं, दैट मेक्स इट 40 to 50K पर मंथ। बट कंसिडर इन दिस फैक्ट कि वो उनकी कॉस्ट कम है, तो देर आर चांसेस कि उनकी क्वालिटी भी बहुत कम होगी, दे डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ। यार इतना तो ना हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज भी नहीं है। एक काम करते हैं, कॉलेज के बाद ना मोमोज का स्टॉल लगा लेंगे। यार स्टॉल ही क्यों, रेस्टोरेंट खोलते हैं। अब तो मोमो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कंपनीज लाइक वॉ मोमोज हैव रेज मोर देन 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। दिल्ली वाले ही नहीं, दिल्ली के इन्वेस्टर्स को भी हम मोमोज दिवाने हैं। यार हमने ना गलत फील्ड चूज कर ली, हमने 12th के बाद इसी में लग जाते हैं। पर भाई एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, मोमो इंडस्ट्री के भी कुछ डार्क साइड्स हैं। फर्स्टली दे यूज बीज रिफाइंड फ्लावर टू सेव कॉस्ट, एंड सेकंडली वो इलीगल एस्टैब्लिशमेंट्स अपनी स्टॉल लगाते हैं जिसके से ट्रैफिक जाम्स होते हैं, एंड सबसे बड़ा मेजर रीजन दे यूज चीप टैक्टिक्स टू यूज MSG टू मेक देयर मोमोज एडिक्टिव। यार हमने एक काम करते हैं, बिजनेस बनाते हैं मोमोज का, एम्पायर खड़ा कर देंगे पूरा का पूरा, उसके बाद शार्क टैंक में मैं बैठाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा, और फिर अंबानी छोड़ एलोन मस्क भी अपनी कंपनी की फंडिंग के लिए मेरे पास आएगा। इसके बाद तो लोगों को क्वालिटी का भी इशू नहीं होगा। और ये जो तू अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है, हाँ माना उसमें थोड़ी क्वालिटी पुअर होती है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मैंने माना कि क्वालिटी बेटर है और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि उनके प्राइस अपर एंड पे होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इफ यू टॉक अबाउट वॉ मोमोज, तो देख उनके प्रॉफिट मार्जिन्स आर गुड, बट देख दे हैव इनोवेटिव आइडियाज का अपर हैंड, बट देख उनका जो ये है उनकी मार्केट बहुत ड्राई है, बिकॉज लोग प्रेफर करते रोड साइड मोमोज ऑनली, तो इस वजह से उनके एंड ऑफ द डे टोटल प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो बट स्टिल इफ यू यूज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और वेस्टेज कम करे, कॉस्ट वेक्टर अप्रोच यूज करे, तो देन यू कैन मेक अ गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। यार ये जो तूने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात करी, ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा? यार लेट मी ब्रिंग आउट माय लैपटॉप फॉर इस। यार इसके लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल समझा देता हूँ।
देख स्टैंडर्डाइज चेन मॉडल होता है उसमें क्या है वामो जैसी कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टैंडर्डाइज रेसिपी एंड फ्रेंचाइजिंग पे रिलाई करते हैं टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू. ठीक है, देन वी हैव स्ट्रीट वेंडर वाला मॉडल जिसमें देखो कस्टमाइज्ड फ्लेवर्स वो प्रोवाइड करते हैं विद लोअर लेवल प्राइसेस, तो देखो क्या है कि स्ट्रीट फूड वाला एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा. एंड देन क्लाउड किचन मॉडल जिसमें ऑनलाइन ओनली किचन हैं एंड यू कैन हैव डिलीवरी एंड टेक अवेज, तो देखो यूनिक फ्लेवर्स घर पे बैठे मिल रहे हैं. एंड देन पैकेज फूड जिसमें तू प्रसूमा मोमोज जैसी कंपनीज तू ब्लिंकिट से घर पे मोमोज मंगवा करके एयर फ्रायर में फ्राई करके या उनको स्टीम करके ऐसे ही बना ले. योर विश भाई. मैं जा रहा हूँ. अरे कहाँ जा रहा है यार? किसी मोमोज वाले से ना अपना एडॉप्शन लेटर साइन करवाने, कम से कम विरासत में मोमोज की रेडी तो मिली जाएगी. अरे तू तो जा रहा है, बक्सर मैटर का टॉपिक कैसे चूज करेंगे भाई? जब मोमोज पे इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है, जब मोमोज मुझे शार्क टैंक का जज बना सकता है, जब मोमोज एलोन मस्क से फंडिंग के लिए पिच करवा सकता है और तो और 2.7 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बना सकता है, तो मोमोनॉमिक्स बक्सर मैटर्स का टॉपिक क्यों नहीं बन सकता है? सो गाइस, दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ बक्सर मैटर्स. इफ यू लाइक द एपिसोड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट. कमेंट योर फेवरेट प्लेस वेयर यू लाइक टू ईट योर मोमोज. एंड ऑल्सो भाई मोमोज मार के लाइक करो, चटनी फेंक के सब्सक्राइब करो. मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए मतलब चाहिए. चलो जा भाई.